रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मॉस्को में अब अपना ध्यान डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए केंद्रित कर दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक अवरी हेंस ने यह भी बताया कि यूक्रेन के पूर्वी भाग में रूस की जीत भी संभावित रूप से संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकती है। पूर्वी भाग में भीषण लड़ाई अभी भी जारी है, जहां रूस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हेंस ने मंगलवार को एक अमेरिकी सीनेट समिति की सुनवाई में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन अभी भी डोनबास के अलावा लक्ष्यों को प्राप्त करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वह अपनी महत्वाकांक्षाओं और रूस के वर्तमान पारंपरिक सैन्य क्षमताओं के बीच मेल नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति शायद यूक्रेन के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के समर्थन पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति, भोजन की कमी और ऊर्जा की व्यवस्था काफ़ी खराब हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे रूसी राष्ट्रपति को युद्ध को और आगे ले जाने के लिए बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।